तो अब हम दोबारा कैपिटल सिटी बैंकॉक आ गए थे और एक खूबसूरत से हॉस्टल में हमने चेक इन कर लिया था। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम नॉर्थ थाईलैंड से यानी कि चियांग राई से बैंकॉक कैसे वापस आए थे। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम आज का दिन बैंकॉक में कैसे और क्या क्या करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है देवराज और आप देख रहे हैं देसी ट्रैवलर। तो भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट लिए और शाम को हमने डिसाइड किया कि थोड़ा निकलते हैं। इतना धूप देख के लग रहा होगा कि अभी शाम है नहीं दोपहर है, पर शाम के बज रहे अभी 5:30 के करीब। 6 बजे तक ना एक मार्केट चलती है यहाँ पे बैंकॉक का सबसे बड़ा नाइट मार्केट रॉटफाई ट्रेन मार्केट। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा आज शाम को यहाँ आते हैं और आने के बाद हमें पता चला कि आज ये बंद है और पूरी तरीके से ये बंद है। पूरा मतलब पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया खाली खाली सा है। और पता नहीं, हम तो देख रहे थे कि ओपन एवरीडे लिखा हुआ था और कुछ 5 से 5:30-6 बजे तक खुला हुआ रहता है और थर्सडे से संडे तक रात के 1 बजे तक खुला हुआ रहता है। तो आप अगर आते हो तो इस मार्केट में ज़रूर आना। ये बैंकॉक का सबसे बड़ा नाइट मार्केट है और यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा हैपनिंग भी है। काफ़ी सारे पब्स और क्लब्स भी है यहाँ पे, तो आप आके यहाँ पे मज़ा कर सकते हो। और आने से पहले गूगल में एक बार देख लेना, हमारी तरह मत होना कि मतलब आए हो इतने दूर से। और हमारे हॉस्टल से ये मिनी वैन मिलता है, मतलब हॉस्टल से मतलब हमारे होटल के वहाँ से आपको मिनी वैन मिल जाएगा, वैन नंबर फोर आपको मार्केट के सामने वाले मेन रोड पे उतार देगा। वहाँ से आपको थोड़ा पैदल चल के इस तरह के सब देख रहे हो आप, बंद है इस तरह के कुछ पब स्ट्रीट टाइप का है, यहाँ पे आप आके अपना अच्छा खासा एक शाम बिता सकते हो। रामा किंग गार्डन मतलब किंग रामा नाइन्थ गार्डन। तो यहाँ पे हम लोग आए, जैसे ही हम लोग एंट्री किया हमने कैमरा ऑन किया और यहाँ पे शायद वो राष्ट्रगान वगैरह कुछ तो हो गया और सब खड़ा हो गया और जितने भी गाना आपको सुनाई दे रहा है वो गाना वाना भी बंद हो गया। तो आते आते थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग पैदल आए हैं। तो अच्छा जगह था, एंट्री फी 10 baht लिखा हुआ था पर हमें अंदर घुसते वक्त कोई कुछ लिया नहीं। और यहाँ पे सब कोई जो है एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, जुम्बा क्लास वगैरह चल रहा है, ये ऐसा। जगह बड़ा सही है यार, यहाँ पे सब कोई मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही एक अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ एक गार्डन है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, मैं सोच रहा था कि उसका एक टाइम लैप्स लूँ पर वो दिख नहीं रहा अचानक, इतना झाड़ है ना आसपास, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ वो एक्चुअली था। तो नाइन्थ किंग्स गार्डन घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेन रोड की तरफ और मेन रोड से हम लेंगे कुछ तो है, 4 मिनी बस है कुछ, मतलब 4 नंबर मिनी बस जो है वो हमारे होटल के नज़दीक जाता है। ये ना हमारे होटल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, होटल के आसपास आपको कौन कौन सा जगह है, मतलब खावसान रोड आप कैसे जा सकते हो या फिर और भी कुछ स्पॉट्स है वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर आप मान लो कि मिनी वैन में जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे या फिर स्काई ट्रेन से अगर जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, कौन सा स्टेशन में उतरना है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ बहुत अच्छे से। और यहाँ का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे अगर मान लो कि स्प्राइट और कोका कोला अगर आप खरीदते हो ना तो इस तरह का आपको ग्लास और बर्फ़ जो है वो फ्री मिलता है, साथ में स्ट्रॉ भी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है और आप इसे आराम से पीते पीते जा सकते हैं। तो सुबह सुबह हम निकल गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज हम दो बहुत ही अनोखा चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसमें से पहला तो है अगर सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि कल का जो एक्सपीरियंस था हमारा मार्केट वगैरह बंद था, जहाँ जा रहे हैं सब कुछ बंद हो जा रहा है, तो अगर सब कुछ सही रहता आज तो हम दो चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहला तो है बैंकॉक का ट्रांसपोर्ट जो कि मतलब BTS के नाम से जाना जाता है, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है कि स्काई ट्रेन। तो स्काई ट्रेन हम थोड़ी सी आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और स्काई ट्रेन के साथ साथ हम एक और चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि है बैंकॉक प्लैनेटोरियम, मतलब स्काई ट्रेन से ही हम जाएंगे बैंकॉक प्लैनेटोरियम। तो हमने ग्रैब वाले से पूछा, ग्रैब मतलब ऐप भी है हमारे पास पर ऐप में कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था, मतलब 70 baht के आसपास, और हमने मैनुअली पूछा तो वो लेंगे 60। तो यहाँ से अगर हम लोग मान लो कि BTS से जाते हैं, मतलब स्काई ट्रेन से अगर जाते हैं तो हम एक एक बंदे का अगर एक स्टेशन के लिए भी हो या फिर 2 स्टेशन के लिए हो हमें चार्ज करना करेंगे वो 30 baht के करीब। तो 30-30 दोनों का 60 और फिर आने के लिए भी 30-30 60, 120 baht हमारे लग जाएंगे जाना और आना। हम 500 meter पैदल चल के जा रहे हैं
और फिर वहाँ से BTS पकड़ लेंगे। BTS मतलब स्काई ट्रेन, स्काई ट्रेन को यहाँ पे BTS कहते हैं, मतलब बैंकॉक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ कहते हैं, बैंकॉक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम BTS। वहाँ से हम एक दो स्टॉपेज के लिए वो ले लेंगे और फिर इकामाई बोल के कोई स्टेशन है, इकामाई में हम उतर जाएंगे। या यहाँ से दो स्टेशन ही है, तो दो स्टेशन के लिए 30 भाट देना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, पर ठीक है, अब क्या किया जाए, और ऑप्शन है भी नहीं। टू टिकट्स फॉर इकामाई, टू टिकट इकामाई, राइट, इकामाई 46 भाट, 46 भाट, थैंक यू। टू स्टेशन फ्रॉम हियर, राइट, टू स्टेशन, एक माइन, ओके, थैंक यू। भाई आपने देखा कि कैसे हमने टिकट लिया, और कुछ इंडिया जैसा ही मसला है। इंडिया में जैसे कॉइन देते हैं, मतलब हमारे कोलकाता में जैसे कॉइन देते हैं, यहाँ पे कार्ड देते हैं सिंगल जर्नी का। हमने सोचा था कि 30 भाट लेगा, पर 30 भाट लिया नहीं, हमसे 23 भाट लिया गया। अब ये भी नहीं पता कि इस तरफ से जाएगा कि उस तरफ से आएगा। बहुत ही शॉर्ट जर्नी था, मतलब दो ही स्टेशन था हमारा, मतलब मज़ा पूरा आया। ये देखो ऐसे लिखा हुआ रहेगा इकामाई। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कितना दूर है हमारा हमारा क्या बोलते हैं हमारा प्लेटफॉर्म, मतलब हमारा प्लेनेटोरियम। Planetarium is open today? Yes. How much is the ticket? A ticket about 30 baht. 30 baht. But show 1 p.m. In Thai version, no English. You okay? No, we will more comfortable in English. English today 10 o'clock already. 10 o'clock? 10 o'clock already. 10 o'clock, I think. Today Thai version. Okay. So we won't understand anything in Thai version, you know? Yeah. So, is there any other option? Option? We separate ticket. You want planetarium, you can book 1 p.m. to 1 hour. And exhibition, you can see reading for until 4 o'clock wrong time. Okay, give me a few minutes. Yeah. Let me decide. So, bhai, hamara kismat thoda sa kharab chal raha hai. तो बड़ी मेहनत से आए हम यहाँ पे, और आने के बाद हमें पता चला कि तो जो इंग्लिश वाला शो है वो सुबह के 10 बजे शुरू हो गया ऑलरेडी। हम यहाँ पे पहुँचे 11 बजे, तो हमें पता नहीं था कि शो का भी मतलब टाइमिंग होता है या फिर मतलब लैंग्वेज का भी होता है। हालांकि हमारे कोलकाता में जो प्लानिटोरियम उसका भी यही है, उसका बंगाली का अलग टाइमिंग है, इंग्लिश का अलग टाइमिंग, वो थोड़ा सा रिसर्च करके हमें आना चाहिए था, पर अब क्या करें। अभी 1 बजे का एक टाइमिंग है, वहाँ पे दिखा रहा है कि आज का शो है 1 बजे, 30 भाट करके एक बंदे का है। पर हम टिकट तो काट लेंगे, पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, वही हम सोच रहे कि क्या करें। तो थोड़ा समझने का भी चीज़ था, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है वहाँ पे, मतलब थोड़ा यूनिवर्स के बारे में दिखाता है, तो यहाँ का क्या थोड़ा अलग होता ना, तो इंग्लिश में तो थोड़ा समझ में आता। तो हम सोच रहे हैं कि थाई भाट में ही काट ले, मतलब थाई लैंग्वेज में ही काट लेते हैं, और फिर कम से कम हम चीज़ का मज़ा तो ले पाएंगे। अगर वो भी नहीं काटे तो फिर हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, क्या किया जाए,
थोड़ा सा हमारा वक्त खराब चल रहा है अभी, तो इसको अच्छा बनाते हैं और टिकट लेके अंदर जाते हैं और क्या करेंगे। तो भाई शो हमारा 1 बजे है, तो कुछ खाने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फूड कोर्ट है अच्छा खासा, मतलब छोटा मोटा ही सही, पर यहाँ पे एक स्कूल गर्ल ने आके हमको समझाया कि यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ तो अंडा है इसका, ये जो है ये आपको अंडा है, एक अंडे के साथ आप खाली एक अंडे के साथ राइस ले सकते हो 25 भाट में, या फिर आप एक अंडे के साथ 3 टॉपिंग्स, और टॉपिंग्स में है आपका पॉर्क है, चिकन सॉसेज है, चिकन है और कुछ है ऑनियन वगैरह भी है, ये सब आपका टॉपिंग्स है। तो हमने लिया है 3 अंडे के साथ 3 टॉपिंग्स, मतलब 40 भाट। तो ये हमने लिया है और ये हमारा खाना बन रहा है। वो देखिए, हमने लिया सॉसेज, चिकन और मशरूम, तो ये हमारा बन रहा है। तो अच्छा खासा मोटा ऑमलेट बनेगा हमारा, और इसके साथ हमें राइस मिलेगा फ्री में। तो ज़्यादा राइस मिलता नहीं यहाँ पे, छोटा मोटा ही, मतलब बहुत ही कम राइस मिलता है। ठीक है, आने दीजिए, खाना बनने दीजिए, फिर दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। और खाने में यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, खाने में जो मतलब टेस्ट है ना, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे। ज़्यादातर बॉयल्ड रहता है, उतना स्पाइसेस कुछ यूज़ करते नहीं है, पर जो भी होता है, जैसे भी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाना। ओहो भाई साहब, हमने इतना बड़ा ऑमलेट बनवा लिया ना, अब राइस दिख नहीं रहा है। आप भी देख लो कुछ ऐसा है, ये सब तो फ्री है। चलो ये सबसे ना ज़बरदस्त लगता है खाने में, विनीगर में भिंगाया हुआ रहता है। तो ये हमारा कुछ खाना, ये हमें पड़ा 40 भाट का, तो बड़ा लजीज लग रहा है। तो हम लेट हो रहा है बेसिकली, अभी 1:15 या फिर 12:30 के करीब बज रहा है, 1 बजे से शो है हमारा, तो हमें 10-15 मिनट में खाना ख़त्म करके अभी जाना पड़ेगा। तो हम अंदर आ चुके हैं और अभी बैठे हुए हैं, एकदम पीछे वाला सीट लिए हैं ताकि पूरा व्यू आए, और अभी आगे का व्यू कुछ इस तरह, कोई एक स्पेस का कोई एक व्यू लगा के रखा हुआ है, तो मतलब अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है और वैसा व्यू बना हुआ है, और पूरा माहौल बना हुआ है सामने में। तो शो शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी है, पता नहीं कितना हद तक मैं वीडियो कर पाऊँगा, जितना हो सकता है मैं वीडियो करूँगा। अब ज़्यादा ये सब दिखाने लगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। शो बहुत अच्छा था, पर बच्चों का था, कुछ कार्टून वार्टून। पहले तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा कि चलो कॉन्स्टलेशन वगैरह कुछ दिखा रहे थे, तो कॉन्स्टलेशन दिखाते दिखाते अचानक कुछ बच्चे रोने लगे। तो अब मेरे को पता नहीं कि बच्चे रोने लगे इसीलिए बच्चों वाला शो बना दिया कि क्या बना दिया पता नहीं। तो फिर बाहर आके हमने दोबारा उनसे पूछा, तो वो बताए कि खाली मंगलवार को सुबह 10 बजे से एक शो चलता है, वो है आपका इंग्लिश में, बाकी ज़्यादातर इनके लोकल लैंग्वेज में ही होता, मतलब थाई लैंग्वेज में ही आपको दिखाया जाता है। हमने थाई भी प्रेफर किया था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख तो सकेंगे कम से कम। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि ये एकदम बच्चों जैसा है, मतलब कार्टून जैसा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर 10 बजे वाला शो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मंगलवार को बैंकॉक में हो तो ये आप आके देख सकते हो। Bye.
तो इसी के साथ हम अपना आज का दिन बैंकॉक के नाइट मार्केट और स्ट्रीट फूड के मजे लेते हुए बिताते हैं। कल की कहानी हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना तक, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।